इस वक्त हमारे साथ हैं एक्स एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रदीप शर्मा। शर्मा साहब, कोविड-19 की महामारी जिस तरह फैल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये कुदरत की मार है, कुदरत की वजह से ये महामारी आई है। बात यह है कि हम सब ने इसके साथ लड़ना है, क्योंकि पहली लहर जो आई थी उसके बीच में 6 महीने थे, और दूसरी लेयर है जो ये ज़्यादा सख्त है। पहली लेयर में हमने सोचा था कि हम खुद सब समझ रहे थे कि हमने लड़कर जो है कोरोना की वार जो है वो जीत ली है, लेकिन ये दूसरी लेयर और ज़्यादा सख्त ही है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ है और कोरोना जो है शिद्दत से आगे बढ़ रहा है और अभी पीक पर नहीं आया है। मैं इतना ही कहूँगा कि सब मेरे भाई, माताएँ, बहनें, भाई, बुजुर्ग और साथी, सबकी जानें जो है वो कीमती हैं, मेरे बच्चों की, ये सबकी। और मैं ये कहूँगा कि जो बातें गवर्नमेंट कहती है, जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, हमें उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाथ हर समय, चाहे साबुन हो, सैनिटाइज़र हो, कुछ हो, और हमेशा हाथों को साफ़ करना चाहिए और हमेशा दूरी बना कर रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें देखकर चलनी चाहिए। और फिर हमें जैसे भारतीय जनता पार्टी का ये सेवा सप्ताह है, तो हमें तो पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो, हम लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जान जरूरी है। अगर आप ठीक रहोगे फिर आप सेवा में, सेवा के कार्य भी करोगे। तो शर्मा साहब, जहाँ तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन की, तो वैक्सीन की देखा जा रहा है कि कमी हो रही है, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि पहले तो लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम था कि वैक्सीन के लिए कुछ लोगों ने भ्रम पैदा किया था, जिसकी वजह से पहले तो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जाते थे। और अभी जब ये कोरोना सेकंड लेयर में आया तो लोगों को पता चला कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, अब लोग निकल गए हैं घर से। मैं सोचता हूँ ये अच्छी अवेयरनेस है लोगों के लिए। पर एक बात मैं आपसे कहूँगा कि वैक्सीन की कमी तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन कमी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो दूर अंदेश हैं, उन्होंने और मुल्कों की वैक्सीन को इजाज़त दे दी है और जल्दी ही अमरीका की, रशिया की और वैक्सीनें जो हैं, मुझे लगता है चाइना की वैक्सीन की उन्होंने इजाज़त दे दी है, तो जल्दी ही सारी वैक्सीनें जो है वो आएंगी और वैक्सीन की कमी जो है वो पूरी होगी। पहले तो हमारे मुल्क ने बड़ी दुनिया को बांटी, क्योंकि हमारा मुल्क प्रधान बड़ा मुल्क है और हमेशा छोटे मुल्कों की मदद करता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी शिद्दत से है जो ये इतनी बड़ी लहर आएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि जो वैक्सीन की जो बात आई है, तो हमने लॉन्च तो कर दिया है पहली तरीक से लेकर सेतु ऐप पर लोगों ने रिजर्वेशन भी करानी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, खासकर पुंछ में, वैक्सीन जो है वो 18 से 40 साल 45 साल वाली वो शुरू नहीं हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा, अपने LG साहब से कहूँगा कि जल्दी ही जहाँ पर वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन जल्दी ही, वो जो टीकाकरण का काम है वो जहाँ जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि लोग बेताब हैं और लोग बड़े परेशान हैं। तो शर्मा साहब, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से जो लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें तेज़ी लानी चाहिए, 8 बजे से 2 बजे तक वैक्सीन लगती है, जबकि ये डिपार्टमेंट 24/7 काम करता है, तो लोगों का ये भी कहना है कि इसमें और तेज़ी होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखो, पुंछ में हमने वेंटिलेटर का कभी नाम नहीं सुना था, आज पुंछ में हमारे जिला अस्पताल में आपको पता होगा 15 वेंटिलेटर आ गए हैं, सुरमकोट में 10 वेंटिलेटर हैं, 5 वेंटिलेटर जो है वो मंडी में हैं, 5 मेंढर में हैं, तो लगभग 35 वेंटिलेटर जो है वो पुंछ में आ गए हैं और वो अब काम करना शुरू कर गए हैं। और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद तो करना चाहता हूँ मैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने ट्वीट किया था कि पुंछ में जो है वो ऑक्सीजन का प्लांट लग गया है। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने सैंक्शन कर दिया है PM केयर फंड में से, लेकिन रजौरी जो है वो चल रहा है, पुंछ में अभी तक चला नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि जल्दी वो जो पुंछ में जो ऑक्सीजन का जो प्लांट है उसको चलाया जाए। फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ वेंटिलेटर के लिए, लेकिन फिर मैं एक बात और कहूँगा कि काफ़ी देर से हमारी तराना मांग रही है पुंछ की, खासकर सबकी, कि पुंछ में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है जी, और ख़ासकर ये जो इतनी मुश्किल समय में आज ये आई स्पेशलिस्ट पुंछ में नहीं है, ख़ासकर आप सिटी स्कैन का जो डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, वो आज पुंछ में नहीं है, क्योंकि बहुत बार पता चलता है सिटी स्कैन से कि इसको कोरोना आया नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जल्दी ही
पूंछ में सीटी स्कैन का डॉक्टर और भी जो डॉक्टरों की कमी है वो जल्दी से पूरी की जाए, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं लड़ रहा था डॉक्टरों के लिए, जब मैं एमएलसी था तब भी और आज भी, लेकिन मैं सोचता हूँ हमारी बदकिस्मती है, पता नहीं जम्मू कश्मीर में कोई सुनने वाला नहीं है, खासकर हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की, और हमारे एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही, आपकी बात ही कोई सुन जाए, ऐसे ये बड़े बाबू हैं जो ये पता नहीं क्या इनको हो गया है, ये बात नहीं सुनते हैं, और जल्दी ही जहाँ डॉक्टरों की कमी जो है पूंछ में पूरी की जाए, ये ना हो कि महामारी इतनी शिद्दत से आए कि हमारे पूंछ में कुछ ही ना बचे, क्योंकि पूंछ में जो कोरोना है टेस्टिंग हो रही है, पर लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, घरों से कम निकलते हैं और टेस्ट करवाने के लिए कम जाते हैं। मैं सोचता हूँ हर तीसरे चौथे आदमी को यहाँ पर पूंछ में कोरोना है, और कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डेथिस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है, चाहे वो गिनती में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जल्दी ही प्रधानमंत्री जी से और मैं अपने एलजी साहब से कहूँगा कि स्पेशलिस्ट यहाँ पर पूरे किए जाएँ, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन प्लांट है उसको जो वो कहते हैं कि 15-20 दिन में शुरू हो जाएगा, उसको जल्द अज जल्द जो है ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया जाए, और खासकर जो भी चीज़ें हैं जो कमियां हैं, खासकर वैक्सीन की कमी है, उसको भी पूरा किया जाए आज। और हम ये कहेंगे, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि मेरा नंबर अगर सबके पास हो, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इस कोरोना, जो कोरोना का समय है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, हम 24 घंटे जो है लोगों की सेवा के लिए हाजिर हैं, बगैर किसी लाभ लपेट के, बगैर किसी पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और पूरी तरह चाहे रात को 12 बजे 1 बजे किसी चीज़ की जरूरत है, कोई परेशान है, कोई भी हमारे पास आ सकता है। मेरा नंबर है 97, मेरा नंबर 96-97-93-10-50 9 9 9 6 9 7 9 3 1 0 5 0। तो मैं ये कहूँगा लोगों को कि आपको किसी को कोई परेशानी है मेरे से कंटेक्ट करें, मैं हम पूरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जो हैं तैयार बैठे हैं। थैंक यू।